विधानसभा चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसमें विधायक हूँ, हमारे 3 विधायक जीते हैं। हमें चुनाव आयोग ने बोतल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर गुजरात की एक पार्टी जिसने 2 स्टेट में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करी, रजिस्ट्रेशन कराया वहाँ पर, गुजरात में तो कप प्लेट का चुनाव चिन्ह मांगा और राजस्थान में बोतल का चुनाव चिन्ह उस पार्टी ने मांगा, और चुनाव आयोग ने बोतल का चुनाव चिन्ह राजस्थान के अंदर उस गुजरात की पार्टी को अलॉट कर दिया। हमें RLP को टायर्स 3 टायर और 1 टायर खड़ा है, 3 टायर 1 टायर से 1 टायर से टायर्स का चिन्ह आवंटित किया है। हमने अपील कर दी है बोतल के लिए, लेकिन चुनाव आयोग का निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर चुनाव आयोग बोतल पर लड़ाएगा तो बोतल पर लड़ लेंगे, अगर आयोग टायर्स पर लड़ाएगा तो टायर्स पर लड़ लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है कि गुजरात की जो पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ी, जिसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं, वो कप प्लेट गुजरात में मांग रही है चुनाव चिन्ह, उसको एक चुनाव चिन्ह मांगना चाहिए। अगर 2 स्टेट में लड़ रही है, देश में लड़ रही है, एकदम से रजिस्ट्रेशन कराया, एकदम से चुनाव चिन्ह मांगा और चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया। चुनाव चिन्ह आवंटित करने से पहले कम से कम चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि वहाँ स्टेट के अंदर जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, कहीं वो पार्टी का चुनाव लड़ने का मतलब रजिस्ट्रेशन वापस आवेदन आया कि नहीं आया। अगर चुनाव आयोग समय पर इस चीज़ को देखता तो आज ये स्थिति हमारे सामने आती, कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक षड्यंत्र बहुत बड़ा, लेकिन हमारे जो भाई है, हमारे जो प्रशंसक है, समर्थक है, वो सभी इस बात को जानते हैं। बहुत बड़ी लड़ाई हमने राजस्थान के अंदर लड़ी, विकट परिस्थितियों के अंदर लड़ी, और चुनाव चिन्ह कोई सा भी हो, हनुमान बेनीवाल आपके सामने, RLP आपके सामने, मैं आप सबसे आह्वान करूँगा कि अपने जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा, चुनाव आयोग के अंदर हमने अपील भी कर दी है, चुनाव आयोग से उम्मीद भी रखते हैं, बोतल मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो टायर्स का चुनाव चिन्ह भी अच्छा है, विकास गतिमान पहियों पे हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, टाइल्स को रखेंगे। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा ये एक तरीके से षड्यंत्र किसी न किसी व्यक्ति द्वारा किया गया, जिस ऐसी पार्टी को बोतल दिया जिस पार्टी का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं, और अभी जो प्रथम फेज के जिन लोकसभा सीटों के अंदर राजस्थान में फार्म भरे गए, उसमें भी इस पार्टी ने मुझे नहीं लगता कहीं फार्म भरा हो। इनका मकसद एक ही था कि हनुमान बेनीवाल का बोतल का चिन्ह पॉपुलर है, इसे इनसे छीन लिया जाए ताकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन राजस्थान की जनता समझदार है, जवान समझदार है, छत्तीस कौम के लोग समझदार हैं, नरेंद्र जी मोदी PM बने, ये सब चाहते हैं कि कोई नुकसान हनुमान बेनीवाल का नहीं हो।